नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री आलिया भट्ट बेहद स्वीट कपल है। अक्सर दोनों अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन के मधुर किस्से शेयर करते रहते हैं। 14 अप्रैल 2022 को रणबीर कपूर और आलिया शादी के बंधन में बंधे थे। 6 नवंबर 2022 को उनकी बेटी राहा का जन्म हुआ। माता पिता बनने के बाद दोनों खुशी और उत्साह से भरे हुए हैं। वे अपनी बेटी को खूब प्यार करते हैं। इन दिनों रणबीर अपनी फिल्म तू झूठी में मक्कार के प्रमोशन में लगे हुए। इन फिल्म में उनके साथ श्रद्धा कपूर स्क्रीन शेयर करती दिखाई देगी। हाल ही में फिल्म प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने आलिया की एक आदत का खुलासा किया जिसे वह सहन करते हैं। रणबीर ने बताया कि कैसे वह बाथरूम का उपयोग करते समय अपनी पत्नी की गंदगी को नापसंद करते हैं। रणबीर कपूर ने बातचीत में बताया कि आलिया के बारे में मुझे एक चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है और वह है उनकी बाथरूम की आदत। जब भी आलिया बाथरूम से बाहर आती है तो वह अपना तौलिया इधर उधर फेंक देती है और अपना मेकअप रिमूवर भी फेंक देती है। मुझे OCD है, जब भी वह बाथरूम से बाहर आती है तो मुझे पूरी गड़बड़ी दिखाई देती है, इसलिए मैं उसके बारे में यह बर्दाश्त करता हूँ। उसकी बाथरूम की बुरी आदतें, अन्यथा वह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। रणबीर कपूर ने आगे कहा कि आलिया को इस आदत के मामले में और भी ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है। वहीं जब इसी इंटरव्यू के दौरान रणबीर से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपनी बेटी के राहा का भी डायपर बदला है, तब रणबीर ने बताया कि हाल ही में कैसे उन्होंने डायपर बदलना सीखा। उन्होंने एक नर्स को ऐसा करते देखा था। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।